सब्सक्राइब कीजिए हर्बल एक्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट हर्बल होम रेमेडीज वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम दोस्तों, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल हर्बल मजा। मैं हूं आपका पर्सनल डॉक्टर डॉक्टर बुरहान मलिक और आज की वीडियो बड़ी खास है उन लोगों के लिए जिनका लिंग छोटा है, पतला है और उनको इरेक्शन यानी टाइटनेस अच्छे से नहीं आती है। उसके लिए हम इस वीडियो में आपको ऑयल बनाकर दिखाएंगे जो कि तेज पात से और फिगेरो ऑयल जैतून के तेल से मिलकर बनाएंगे हम। इससे पहले कि वीडियो शुरू करें आप लोगों से दरखास्त है कि आपने अभी तक अगर हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें जिससे आने वाली हर एक नई अपडेट आप तक इजीली पहुंचती रहे। तो चलिए ऑयल बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए इस ऑयल को बनाने के लिए यहाँ से शुरू कर तो चलिए ऑयल बनाना शुरू करते हैं। इस ऑयल को बनाने के लिए आपको तकरीबन 10 से 12 तेज पात पत्ते चाहिए होंगे और 100 ml आपको ऑलिव ऑयल, इसको जैतून का तेल कहते हैं, मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है, वो आप बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम एक गहरा बर्तन ले लेते हैं और हम अपना हीटर ऑन कर देते हैं और ये 100 ml ऑलिव ऑयल हम इसके अंदर ले लेते हैं। फ्लेम को हम थोड़ा सा कम रखेंगे इन पत्तों को हम साथ में ऊपर से ही काट सकते हैं, आप पहले भी काट के रख सकते हैं। बहुत देर तक आपको इसको नहीं पकाना है, बस हमको इसको तब तक पकाना है जब तक कि ये जो पत्ते हैं इनका थोड़ा सा कलर सबका ब्राउन हो जाता है, डार्क ब्राउन, तो हमारा समझिए कि ऑयल बन जाता है। और इस ऑयल को बनने में ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 3 से 4 ही मिनट्स लगते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो पत्ते हैं ये सारे ही डार्क ब्राउन कलर के हो गए हैं और ये हमारा ऑयल बिल्कुल बनकर तैयार हो गया। तो अब हम इसको ठंडा कर लेते हैं। तो दोस्तों जब तक हमारा ऑयल ठंडा होता है तब तक मैं आपको एक बहुत स्पेशल ऑयल के बारे में बता देता हूँ। ये लीच ऑयल है, लीच ऑयल बड़ा फेमस ऑयल है लिंग को लंबा मोटा करने के लिए। आपका लिंग अगर बहुत छोटा है, पैदाइशी तौर पे भी छोटा है और अगर आपको लगता है उसको लंबा और मोटा करना है जिसकी वजह से आप ना खुद सेटिस्फाइड हैं ना अपने फीमेल पार्टनर को सेटिस्फाई कर पाते हैं तो आप इस ऑयल को इस्तेमाल करें। इस ऑयल के अंदर हिरुडीन है जो कि लीच से निकाला जाता है और ऑलिव ऑयल में इसको बनाया जाता है। ये अब तक का सबसे अच्छा और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव ऑयल माना जाता है। अगर आपको लगता है कि आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसके बारे में कोई डिटेल चाहिए या अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए अपनी किसी भी सेक्सुअल प्रॉब्लम की तो मेरा नंबर आपको व्हाट्सएप का कॉलिंग नंबर वीडियो पर मिल जाएगा, आप कभी भी मुझे कॉल करके अपनी पर्सनल प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों अब ये हमारा ऑयल बिल्कुल ठंडा हो गया है और अब हम इसको छान लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने पूरी तरीके से इसको छान लिया है। तो ये इसकी क्वालिटी है, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, ये इसकी क्वालिटी है, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। अब इसको हमें कैसे इस्तेमाल करना है इसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों ये ऑयल जो तेजपात ऑयल है और लीच ऑयल इन दोनों को इस्तेमाल करने का तरीका एक ही है। तेजपात ऑयल की हम फ्यू ड्रॉप्स ले लेते हैं लिंग के ऊपर।
तो ये हमने कुछ ड्रॉप्स की ले ली हैं। आप ख्याल रखेंगे कि ग्लांस पीनिस को यानी आगे के पोर्शन को छोड़कर पीछे वाले शाफ्ट वाले पोर्शन पे हमें पीनिस की मसाज करनी होती है। 5 से 10 मिनट तक आप उंगली का घेरा बनाकर ऐसे करके कुछ स्टेप्स आगे और कुछ स्टेप्स पीछे की तरफ ऐसे करके आपको मसाज करनी है और कम से कम 5 से 10 मिनट तक मसाज करनी है। जब आप मसाज करेंगे तो आपके पीनिस में वार्मनेस यानी गर्म फील करेंगे अपने पीनिस पर, जो कि बहुत अच्छी निशानी है। इसका मतलब ये ऑयल आपकी पीनिस की नसों के अंदर जा रहा है। इसी तरीके से ये लीच ऑयल जो है, लीच ऑयल ये बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होने लगता है और ये आपको 5 से 10 दिन के अंदर ही रिजल्ट नजर आता है लीच ऑयल का। तो दोस्तों उसको इस्तेमाल करें। इस्तेमाल करने के बाद आपको किसी पानी से वॉश नहीं करना है या आपको किसी ठंड वाली जगह पर नहीं जाना है और सारी रात लगाकर रखना है। कम से कम दिन में एक बार इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल करने के दौरान आपको खट्टी चीजों का, तली भुनी चीजों का, इसके अलावा तेज मिर्च मसालों का, स्मोकिंग का, एल्कोहल का, या आप अगर पॉर्न वीडियोस देखते हैं उनका सबका परहेज करना होगा, तभी आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए नुस्खे के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच।